यहाँ के एनआईटी के अधिकारी उनचास साल हमारा हो गया है अपना प्रवेश करें आप लोग को पता है कि बाढ़ में बुढ़नी चक में जो है वो सबसे बेस्ट सरस्वती पूजा होता है हमारे बाढ़ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपका भाई ऋषभ जा रहा है बुढ़नी चक, और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा 2024। तो आप लोग को पता है कि बाढ़ में बुढ़नी चक में जो है वो सबसे बेस्ट सरस्वती पूजा होता है हमारे बाढ़ में। तो आज पहली बार मैं जा रहा हूँ बुढ़नी चक, इससे पहले मैं कभी भी वहाँ सामने से जा करके नहीं घुमाऊँ। तो आज जाऊँगा बुढ़नी चक और आप लोग को भी घुमाने वाला हूँ। तो चलिए फिर से बुढ़नी चक के सरस्वती पूजा को देखते हैं कि वहाँ पर कैसी फिलहाल भीड़ है, कैसी वहाँ की मूर्ति है, कैसा वहाँ का पंडाल होता है। तो एक बार फिर से आपको ऋषभ आपके साथ, तो चलिए करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। जो हमारे केस हैं उनसे अनुरोध है, हाँ। साल हमारा हो गया है अपना प्रवेश करें फिर से स्वागत कीजिए जोरदार ये आने वाले 50 होगा और इसी प्रकार से पीना जाने के अलावा जाने वाले समाजसेवी और शिशु चिकित्सक बड़े भाई डॉक्टर रंजीश कुमार जी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। बाल नगरपालिका के चेयरमैन संजय भैया का, हमारे बुढ़नी चक के विभूति प्रखंड विकास प्राधिकारी विभूति जी, हम लोग के छोटे भाई अविनाश जी और हम लोग के बड़े भाई का प्रकाश जी जो पहले विकेट से हम लोग हमारे गांव का नाम रोशन किया। उपस्थित माताएं बहने, माँ बिना धरने का 50वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ बिना धरने के सदस्यों के द्वारा एक ऐसी रेखा खींची गई है जो बाहर तो आप मुझे याद है अपने अगस्त पर शहर नगर यहाँ के अधिकारी सो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और ज़्यादा कुछ वैसे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया नहीं क्योंकि रात भी हो रहा था, प्लस अभी कुछ वैसा हो नहीं रहा था वहाँ पे। मेन यहाँ का जो विसर्जन है वो होता है, आप पीछे देखिएगा तो आपको एक पंडाल दिख रहा होगा ब्लू कलर का, वो पंडाल वहाँ से पूरे गाँव के अंदर होता है। और अभी बहुत सारा वो सेलिब्रेशन हो रहा था, आपको पता है कि 49th ईयर से जो है वो कंप्लीट हो गया था बिना धार्मिक क्लब का, तो वो लोग केक काट रहे थे और उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और बहुत सारे लोग जो संस्था से जुड़े हुए हैं और जो किसी न किसी सरकारी पोस्ट पर हैं उनको सम्मानित किया जा रहा था, जैसे कोई BPSC में है या अदरवाइज कोई और भी किसी सचिवालय में या किसी भी पोस्ट पर है या कोई प्रोफेसर ही है, तो उनको सम्मानित किया जा रहा था जो भी लोग उस संस्था से जुड़े हुए थे। तो इसका भी आरती भी होने वाला था लेकिन उसका भी कुछ समय था तो इसलिए मैं निकल गया चूँकि मुझे घर भी जाना है। तो इसका जो विसर्जन होगा तो उसका एक बहुत ही कंप्लीट ब्लॉग मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा जिसमें पूरा चीज़ को मैं अच्छे तरीके से विजुअल्स जो होंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या कुछ वहाँ पर किया जा रहा है और क्या क्या झांकियाँ जो है निकलने वाली हैं, तो वो चीज़ें मैं दिखाऊँगा। तो मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।